सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप एक पहाड़ पर जाइए, ध्यान से सुनिएगा। पहाड़ पर आप पहुंच गए कई दिन में पैदल पैदल जाकर। वहां पर आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात मिल गए। बड़े खुश हो गए, देख क्या हा कितने पैसे पड़े हैं, कितने हीरे जवाहरात पड़े। बड़े बड़े दो बोरे आपने भर लिए उन हीरे मोतियों के, दोनों पीठ पे लाद लिए और चल पड़े घर की ओर। पहाड़ पे गाड़ी तो जा नहीं सकती, पैदल आना पड़ेगा। और 200 किलोमीटर का रास्ता है घर का आपका। आप लेकर धीरे धीरे चल रहे हो। अब शहरों में रहते हो बढ़िया, गांव में तो रहते नहीं, तो वजन वजन उठाने की आदत तो है नहीं। और गांव में भी रहते होते तो भी 200 किलो तो उठाते नहीं। 200 किलो भर लिया, उस समय तो हीरे जवाहरात की गर्मी ने वजन उठवा दिया, पर 4-5 किलोमीटर जब चले, आहा अब नहीं चला जा रहा, इसमें तो बहुत वजन है। जब क्या करेंगे, जब मर ही जाएंगे, एक बोरा फेंक देते हैं, एक बोरा फेंक दिया, एक रह गया, हाँ बहुत अच्छा है, सर पे रख लिया एक बोरे को। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और 5 किलोमीटर पहुंचे, ऐसा लग रहा है गर्दन धड़ से उखड़ जाएगी, इतना वजन है। आधा और कम कर दिया, कुछ दूर और गए, आधा बोरा भी नहीं उठा, और कम कर दिया, फिर 5 किलो रख लिया। जब 50 किलोमीटर ऐसी तपती हुई में धूप में चले तो 5 किलो भी बोझ लगने लगा, इसको भी फेंक दो। क्यों फेंक दिया, कहीं गर्दन ना टूट जाए, कहीं हाथ ना टूट जाए, कहीं प्राण ना निकल जाए। तो ये बताओ कि उस दो बोरा हीरा जवाहरात की कीमत ज्यादा है या आपके हाथ पैरों की, बताओ किसकी ज्यादा है। आप उठ गए हाथ से, हाथ पैरों की ज्यादा। अच्छा, आपसे कोई कहे कि आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, आप अपने राइट हैंड का अंगूठा कटवा के भिजवा दीजिए हमारे घर, भिजवाएगा। एक बुजुर्ग माता जी सबसे ज्यादा हिला रही है गर्दन, इनका अंगूठा इतना कीमती है तो आप सबका कितना होगा। अच्छा चलो 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, एक हाथ दे सकते हो दान में किसी को, नहीं दे सकते। तो 2 करोड़ की कीमत ज्यादा है या आपके हाथ के अंगूठे की, आपके हाथ की, किसकी ज्यादा है, हाथ की ज्यादा है। तो जब एक, फिर कितनी, 10 करोड़ रुपए होगी एक हाथ की, 10 करोड़ में बात पक्की, 10 में भी नहीं दोगे, कितने का है हाथ आपका। जब एक अंग 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ में नहीं देना चाह रहे हो तो भगवान ने तो कितना सुंदर शरीर दिया है, इसमें ऐसे कितने अंग दिए हैं जिसकी आप कीमत 0000 लगाकर नहीं तोल सकते। अनमोल शरीर, अरबों खरबों से भी ज्यादा कीमती शरीर देकर भगवान ने आपको यहाँ भेजा है। इस कोरोना काल में हम और आप यहाँ पंडाल में जीवित बैठे हैं और फिर भी पूछते हो भगवान की कृपा हम पर क्या है, फिर भी कहते हो हम गरीब हैं। करोड़ों में तो शरीर का एक अंग देते नहीं और फिर अपने आप को गरीब बताते हो। अरबपति भगवान ने बनाकर भेजा, अरबों में भी नहीं दे रहे हो और फिर गरीबी का रोना रोते रहो, ये तो गलत बात है ना। तो सबसे पहले आपके पास अनमोल चीज जो भगवान ने दी है वो आपका शरीर है। इस शरीर से ही भगवान को पाया जा सकता है, ये एक माध्यम है। शरीर ही नहीं होगा तो कथा में कैसे बैठोगे, भजन कैसे करोगे, कीर्तन कैसे करोगे, परिक्रमा कैसे लगाओगे। तो आज से इस भाव को मन से निकाल देना कि हम गरीब हैं। 2-4-10 करोड़ देने पे आपने जब नहीं दिया तो वो बड़ा हुआ कि आप बड़े हुए। ऐसी अनमोल वस्तु भगवान ने देकर हमें भेजी है कि जिसका कोई मोल ही नहीं है। कितने धनवान हो फिर भी गरीब बताते हो। कोहिनूर हीरा ले आया जाए,
किसी को दिया जाए इस हीरे के बदले तुम अपना शरीर दे दो, एक नहीं 100 कोहिनूर के बदले भी आप अपना शरीर नहीं दे सकते, एक अंग नहीं दे सकते, 100 कोहिनूर आपके ऊपर कुर्बान है, और कितनी कीमत करवाना चाह रहे हो अपने भैया, इससे ज्यादा कीमत हो सकती है क्या? लेकिन गलती क्या हुई है, कंकड़ पत्थर के बीच में रहकर हम भी अपने आप को कंकड़ पत्थर समझ रहे हैं, लोक वार्ता रता क्रूरा फालतू की बातों में लगे हैं, तो हम भी बस वहीं तक सीमित रह गए हैं, हम जान ही नहीं पा रहे कि हमारा शरीर कितना मूल्यवान है। अगर हीरे की परख जौहरी को ना हो, हमको आपको मिल भी जाए तो एक कांच का टुकड़ा समझकर फेंक देंगे, इसी प्रकार से आपको भी परख नहीं है, आप हो क्या? आप उस कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती हो, पर परख कहां होगी जब आकर कथा सुनोगे। आप भागवत की रचना करो, आपको जरूर शांति मिलेगी व्यास जी। और भक्तों, व्यास जी को रचना करकर शांति मिल गई तो आपको रचना सुनकर शांति अगर नहीं मिली, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप एकाग्रता के साथ कथा सुनो और आपको श्रवण करने से जीवन में शांति ना मिलेगी।